तो यहाँ देखो हमारे किचन का हाल क्या हुआ पड़ा है। ये देखो सारा बिखर गया, मैंने ऊपर बंदर बना रखा है, सारा सामान निकाल रहे हैं। कहता है जब बीवी मोटी हो जाती है ना तो पति ध्यान देना छोड़ देता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आए हो आप सभी ठीक होंगे? तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग बता रही सुबह सुबह से। मैं सुबह उठ गई अभी 5 बजे क्योंकि अभी ढेर जिम गए तो कुंडा लगाना था, तो मैं सोई नहीं उसके बाद। और मेरे साथ साथ हर्षी भी उठ गई है, ये देखो कितना खुश हुई जा रही है। ऊपर पंखा चल रहा है ना, पंखे को देख के खुश हो रही है। गुड मॉर्निंग कर दो बेटा चपको, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ, और जिया ने भी स्कूल जाना है ना तो उसके लिए भी टिफिन पैक कर देती हूँ। तो हर्षी को मैं वहाँ से अपने कमरे से यहाँ लेके आ गई कि रोएगी या उल्टी उल्टी करेगी ना, दूध की उल्टी करती है तो मुझे पता लग जाएगा। अभी ये खेल रही है, मैं फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ। क्या हो गया? स्कूल तो जाना पड़ता है ना, ऐसा मुंह नहीं करना पड़ता है रे। स्कूल जाना पड़ता है रोज। दे डैडी भी आ गए, देख डैडी कितनी जल्दी आ गए। चप्पल पहनो, अब ब्रश ब्रश करो, ब्रश 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 योर टीथ। फिर क्या? फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रश एट एवरी डे। क्या हुआ, नहीं जाना स्कूल? स्कूल नहीं जाना? चलो चलो बेटा, अब जिया को रेडी करते हैं फटाफट। स्कूल नहीं जाना, करी छुट्टी करा दो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं क्या करता हूँ, तेरे को मनाना नहीं आता है। आपको आता है मनाना, वो तो पता है किसको मनाना आता है किसको नहीं आता है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारा बच्चा, हम ब्रश करते हैं ठीक है? चलो चलो चलो, तू भी ब्रश करेगी? हाँ ब्रश करेगी इस भाई जी, तूने तो पहले नाश्ता कर लिया, अब क्या ब्रश करेगी? सो गाइस चलो ऊपर छत में भी देखते हैं क्या हो रहा है। और सबसे ऊपर वाले छत में जो है वहाँ पे पानी पूरी डालना है, वो प्रिया डाल नहीं सकती है, इसलिए मैं जा रहा हूँ ऊपर डालने के लिए। और क्या, जो हमारे जो खरगोश है जिनका नाम हमने रखा है हनी बनी, और हनी बनी नाम कर दिया, एक कहानी है एक का बनी है, और उनके लिए धनिया दे देता हूँ उनको। कि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये सब मम्मी पापा लोग वहाँ पर देखेंगे, उनको पता लग जाएगा कि हाँ हाँ मतलब हमारे पौधे बिल्कुल सही है, खरगोश ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसलिए हम आपको भी दिखा रहे हैं। और घर पर भी हमारे मम्मी पापा लोग लाइव वो सब लोग देखते रहेंगे क्या क्या घर में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अभी धनिया देते हैं, धनिया बहुत अच्छे से खाते हैं लोग। कहाँ हो हनी बनी? ये इधर ऊपर फर्स्ट फ्लोर फ्लोर पे आ रखे हैं। हाँ भाई आजा ले, फर्स्ट फ्लोर में। हनी बनी यू माय पम्पकिन पम्पकिन, हेलो हनी बनी। ये यहाँ से इनका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में तो ये भाई साहब ग्राउंड फ्लोर बड़ा गंदा हो रखा है। जैसे मैं ऊपर वाले छत में पानी पूरी डाल के आता हूँ पौधों में, सारे जो हमारे सब्जियां हैं उनमें पानी डाल के, तब तक इनको मैं थोड़ी देर नीचे खुला छोड़ देता हूँ। यहाँ पर जो है थोड़ा टहल भी लेंगे, अंदर अंदर बैठे बैठे भी बोर हो जाते होंगे। तो चलो भाई थोड़ी देर तुम लोग यहाँ पर घूमो ठीक है? ये तो यहीं पे खा लो धनिया, जो खाना ले ले, यहाँ पर खाएंगे मस्ती से। ये ना गेंदे के फूल भी खाते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, हरी चीज़ें हर कुछ हरी, मतलब कोई भी चीज़ हो हरी चीज़ खा लेते हैं। तो ये देखो हमारे टमाटर भी यहाँ पके हुए हैं, ये टमाटर है। और सबसे ज़्यादा अच्छे टमाटर यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत सारे टमाटर टमाटर गुच्छे, 2-3 किलो तो यहाँ से निकल जाएंगे टमाटर। चलो ये काम भी हो गया पानी वाला, और यहाँ खरगोश लोग अभी घूम रहे हैं। हनी बनी बहुत घूम ले, चलो अब चलें घर। दूसरा कहाँ गया? ये तो इधर है। घर चलें हैं, हमारे फूल नहीं खाने। चलो 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 चलो, इसको मजा आ रहा है खेलने में। चलो चलो चलो, तो इसको सच में मजा आ रहा है, मतलब ये इधर गोल 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 घूम ही जा रही है। ये देखो ये ऊपर से दिखाता हूँ मैं। चलो 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 चलते चलो 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 घर चले, चलो 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 घर चले। चलो लगता है इसने अंदर जाना है इसलिए ऐसा कर रही है। और स्पाइक को इतना जोर रहता है ना, इनसे बातें कर रहा हूँ, इनकी वीडियो बना रहा हूँ ना, स्पाइक के नीचे भौंकने में वो मेरे को भी लेके चलो, मेरे को भी घर की इनकी सफाई करके आज वो लोग सोच रहे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है घर में ना एक बड़ा सा गेट जैसा बनाना चाहिए था, बड़ा दरवाजा, कि हमारा हाथ अच्छे से घुसे और सफाई हम कर सके। अभी सफाई कर रहा हूँ ना, बहुत दिक्कत आ रही है, मेरे हाथ में भी लग गई। ये देखो हाथ पूरा लाल हो गया है। इसको अपने घर के अंदर जाने की जल्दी हो रखी है, सफाई भी नहीं होने दे रही है। हनी आजा, आ जा अंदर जा। चलो घर जाने का टाइम हो गया, चलो
चलो घर, चलो 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 अंदर, चलो अंदर चलो, जाओ गो, ये मेरे को घुमाएंगे अच्छे से, गो। कहाँ गई? चल गो, चल जा जा गो, बैठ जा यहाँ पे, अब बाहर नहीं आना ठीक है, अंदर रहो, चलो लगा दो गुंडा। तो कल व्रत रखने वाले हैं ना, तो इसकी वजह से थोड़ा मतलब साफ सफाई करनी पड़ेगी, मंदिर का थोड़ा सामान लेके आना है और किचन में भी थोड़ा साफ करना है, तो उसका भी थोड़ा सामान लेके आना है और पूजा के लिए भी जो नारियल वगैरह ये सब होता है तो ये भी सब लेके आना है। वहाँ मम्मी लोग तो व्रत रखेंगे सारे, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ मैं व्रत रख के कंच का खिलाऊं करके, तो ढड़ू पहला और पांचवा रखेंगे, पूरे तो नहीं रख पाएंगे ये सारे पूरे व्रत, और मैं रखूंगी, सही हो जाएगा ना, रख लोगे ना कल का व्रत आराम से। जिम नहीं जाऊंगा, क्या होगा फिर? असंभव, असंभव। हाँ वेरी गुड, ऐसे सारी बात और व्लॉगिंग करते रहेंगे। हाय ये बच्चे कभी ये चुप होती है तो वहां से जिया बोले लग जाती है, और जिया चुप होती है ना, इसका देखो ये देखो, तो इसलिए टेक के टेक लेने पड़ते हैं। नहीं बच्चा नहीं, तो अभी चुप कराती मैं इसको। अरे हो गई चुप, ये तो मेरा सोना बच्चा है। तो मैं यहाँ पे से नवरात्रि का जो भी है पूजा का सामान सारा ले लेती हूँ, सारे सामान है यहाँ पे। भैया कितने की है? कांच का है ये, एक कर दो और एक नारियल कर दो, एक छोटी सी चुन्नी कर दो, चुन्नी दिखाना, ये इसी में डालने के लिए जो अभी ली ना, ये हाँ फैंसी चाहिए थोड़ा अच्छी वाली, ये छोटी वाली दिखाना, छोटी वाली बगल में है ना ये, हाँ जी एक चुन्नी, एक चुन्नी कर दो, ये भी कर दो, एक मूली, एक सिंदूर और बाती भी कर दो, कपूर भी कर दो, घी है? घी नहीं है ना, जब पूरी फैमिली को साथ में लेके आना हो ना तो ऐसा ही होता है। अभी प्रिया गई है अंदर अपना सामान लाने के लिए, तो मैंने कहा तब तक मैं यहीं पे देख लेता हूँ, छाव में गाड़ी पार्क कर दी और यहाँ पर हर्षी को इधर लेटा दिया, अब आराम से मस्ती से बैठी है ना बच्चा, मजे आ रहे हैं, पापा ने इतनी अच्छी जगह बना दी आपके लिए है कि नहीं। यहाँ पीछे जिया सो रखी है आराम से, इधर ये सो रखी है और यहाँ इधर मैं सो रखा हूँ। तो चलो पूजा का भी सारा सामान ले लिया और साथ में हर्षी के डायपर भी, ये बहुत जरूरी है इनका तो बस। अच्छा स्नैपचैट बनाने में बोर नहीं होते हो? ये कौन है? ये बस ऐसे ही है आपका बस ऐसे ना, ये ठर के काम ना यार, ये फिल्टर है यार, ये देखिए, काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली। कितना खुश हो रहे हो जाओ, खुशी हो सकते हो, मैं क्यों चुनू, चलो आप। तो अभी हम लोग आ गए घर और मैंने ठड़ू को फिर से भेज दिया है सामान लेने के लिए, क्योंकि हर्षी रो रही थी और जिया तो परेशान नहीं कर रही थी, हर्षी कर रही थी, तो इसकी वजह से मैंने उनको बोला कि हमें घर छोड़ दो और आप फिर लेके आओ। अभी फ्रूट्स लाने बाकी है और भी सामान है, आम के पत्ते हो गया जो कल चाहिए पूजा में, तो अब मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ और किचन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि कल व्रत रखना है ना और सब साफ सफाई हो तो अच्छा लगता है। तो मैं पहले सबसे पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद फिर किचन साफ करूंगी, इन लोगों की भी हेल्प करवाऊंगी, क्योंकि सेल्फ में चढ़ना पड़ेगा ना, तो मैं अभी चढ़ तो नहीं सकती, तो गौतम भैया आ जाएंगे, अजनक भी आ जाएंगे, फिर उनसे करवाऊंगी। तो यहाँ देखो हमारे किचन का हाल क्या हुआ पड़ा है, ये देखो सारा बिखर गया, तो इसीलिए मैंने दिन में साफ नहीं किया था, क्योंकि जनक भैया को मैंने ऊपर बंदर बना रखा है, सारा सामान निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चढ़ सकती ना अभी ऐसे ऊपर, तो थोड़ा कमर में दर्द होता है इसकी वजह से, तो मैंने यही सोचा कि मैं रात को करवाऊंगी। स्पाइकी को क्या हो गया? और डड्डू भी आ गए हैं बाहर, डैडी आ गए? नहीं आए, आ गए, देख एक बार, नहीं जाके देख, निप्पल जब छोटी बच्ची थी ना तब इसमें दूध पीती थी, अभी भी पीऊंगी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे गणित हो रहा है, जोड़ना घटाना कितना आएगा क्या आएगा, थोड़ा सा ही करना, ज्यादा मत करना, ठीक है हो गया, एक से एक मास्टर है। चलो अब फिल्टर उठाओ, फिल्टर के नीचे भी बिछाना है, आराम से आराम से। अब थोड़ी देर में आपको ये किचन चमकता हुआ दिखेगा। तो गाइस यहाँ पर ना मुझे एक पैंट पसंद आई और यहाँ पे साइज बिल्कुल भी नहीं है, तो डमी ने पहना है, इनसे उतरवा रहे हैं अभी, देखो ये भाई कह रहे उतरवाए थे, कोई बात नहीं, दिखा सकते ना, कोई सेंसर तो नहीं होगा ना, कुछ है तो नहीं उतारेंगे तो चल ठीक है भाई, ऐसे ऐप्स कब आएंगे मेरे पता नहीं।
चलो अब उसकी पैंट मत देखो उतारते हुए। ओ भाई सब दिख गया। बड़ी मुश्किल से 32 उतरवाया था डमी से, बट वो मेरे साइज आया नहीं। मैं एक्चुअली पतला हो गया ना और मेरा 30 साइज आ रहा है और ये कुछ ऐसे दिख रहा है। और इसमें भी एक पंगा है कि 30 साइज ना सिर्फ एक ही स्टॉक है, स्टॉक में पड़ा हुआ है और वो अमित ने ले लिया है, तो बस मैं नहीं ले सकता, कोई बात, माय बैड। तो ये सामान लिया था जब आप हर्षी को संभाल रहे थे ना। हाँ। क्या लिया करी जा रहे थे ना, ये लिया था। बताना कौन सा अच्छा लग रहा है। कितने लिए? कितने लिए होंगे? 4-5 तो लिए होंगे। इतना टाइम लगा दिया बैंकर, 1 घंटा लगा दिया पूरा। 4। अब मैं आपको ऐसा पीस दिखा रही हूँ, देखते हैं आपको क्या याद आता है। क्या याद आ रहा है? क्या हूँ, याद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? खाली याद आया तो ठीक है, नहीं तो ये मामलों में फेंक के। बताओ नहीं आ रहा मेरे को याद। ये मेरे को ये याद है कि तूने एक बार पहना था। ये कब पहना था? रुक जा यार, याददाश्त मेरी थोड़ी मजबूत है। जैसे जिम जा रहा हूँ तब से, मतलब हो गया रहें, तो आपको पूछने भी का रहे। याद है मेरे को जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, जब बीवी मोटी हो जाती है ना तो पति ध्यान देना छोड़ देता है ना। बिल्कुल सच बात है, याद नहीं, पता लग गया। इतना भी याद नहीं है जब मैं आपसे पहली बार मिली। बोला ना मैंने तेरे को, मेरी पूरी बात सुनी? मैं जस्ट ये भी बोला मैंने, ये क्या मैं जब हम मिले थे ना फर्स्ट टाइम, कुछ नहीं बोला ठीक है, तूने सुना नहीं। अपने डायलॉग मारने में लगी, अपने डायलॉग मारने में, जब बीवी मोटी हो जाती है ना तो पति उन पे ध्यान नहीं देते हैं। सच बात है, ये सच्ची बात है, अब मुझे पता लग गया। क्या बात, क्या सच है? क्या सच है बात, बता। एक मिनट रुक जा, सच्ची बात है, याद नहीं आपको कुछ? उसमें पतली थी, सॉरी मोटी थी उसमें, जब नहीं पहना था। क्यों नहीं याद है फिर, बताओ? मेरे को याद है। हाँ बताओ, याद है ना, बताओ कब जब हम लोग मेले में गए थे फर्स्ट टाइम, जब मिले थे हम लोग, कब पहना था, कब करा था? भयंकर ये बोलता नहीं करके इसका मतलब थोड़ी की कुछ भी सोचती है, बोलता नहीं बस आराम से। किसको सुनाने वाले हो ये सब? तो ये इतने सूट मैंने इसलिए लिए ना क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं, तो नवरात्रि में जो 9 कलर होते हैं ना, मैं सारे कलर पहनने वाली हूँ एक एक दिन। तो सोमवार मतलब मंगलवार जो फर्स्ट नवरात्रि है उसको मैं पहनूंगी येलो, येलो ही कलर होता है। और फिर उसके बाद कलर है ग्रीन, उसके बाद है ग्रे, उसके बाद पता नहीं कौन कौन से है, जो भी है ये मैं सारे पहनूंगी। पर इनको सिलवाने के लिए भी देना है, पता है? तो इसलिए कौन है जल्दी में इमरजेंसी में? पापा भी नहीं है, पापा भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ऑरेंज नहीं मिला पता मुझे कहीं पे भी, तो मैंने ये ले लिया, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑरेंज है ना। और मेरे किचन में काम रहता है तो अभी मैं आधा काम करूंगी, फिर कल करूंगी, बर्तन वर्तन धो के कल सारा सेट करूंगी, और कल सुबह जल्दी उठना है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जल्दी से सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है, कल मैंने सबको काम में लगाना है। बाय गाइस, गुड नाइट। Boom.